17 मई से बरही नगर परिषद मुख्यालय से गायब तीन अधिकारियों के देश के बाहर पड़ोसी देश नेपाल बॉर्डर में होने की फोटो वायरल हुई। प्रदेश सरकार के बिना अनुमति विदेशी यात्रा पर निकले, जिसमें बरही नगर पंचायत में चालू सत्र में करोड़ों के कामकाज कराने वाले संतोषी सेल्स कॉरपोरेशन के ठेकेदार अभिषेक शर्मा ने नगर परिषद के तीन अधिकारियों को साथ लेकर नेपाल यात्रा में निकल गए हैं। सोशल मीडिया में वायरल फोटो से साफ जाहिर हो रहा है कि ठेकेदार अभिषेक दुबे के साथ नेपाल में मौज मस्ती करने बरही CMO राम शिरोमणि त्रिपाठी, लेखापाल रमेश तोमर, सहायक ग्रेड 3 तीर्थ चतुर्वेदी नेपाल के लिए हवाई यात्रा के पहले फोटो पोस्ट कर नगर को बता दिया है कि हम नेपाल यात्रा पर है। बरही नगर परिषद इन दिनों बरसात पूर्व शहर के नाले नालियों की सफाई, बाढ़ आपदा प्रबंधन और पीएम आवास से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कई लोग अपने वित्तीय भुगतान व अहम कार्य के लिए भटकते नजर आ रहे, और जब देश में आचार संहिता लगी हुई है और नेपाल में मौज मस्ती करने पर ही CMO राम शिरोमणि त्रिपाठी, लेखापाल रमेश तोमर, सहायक ग्रेड 3 तीर्थ चतुर्वेदी के नदारद होने से इस स्थिति में प्रशासन के कामकाज कौन संभाल रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर की कार्यवाही कर सकते हैं, और पूरे देश में लोकसभा की आचार संहिता 4 जून तक प्रभावी है। बिना सक्षम विदेश यात्रा में CMO लेखापाल सहाय की यात्रा में जाने की जानकारी अध्यक्ष को नहीं है, जबकि 17 मई को नेपाल काठमांडू की यात्रा के दौरान अचानक ग्रुप में आए CMO का आवेदन और गलत तरीके से छुट्टी लेने के अनुरोध पत्र की जांच कलेक्टर से कराए जाना और निलंबन की कार्यवाही की मांग उठ रही है। वहीं नगर अध्यक्ष ने किसी अधिकृत पत्र से इनकार कर दिया। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। तय क्या समस्या, किस समस्या को लेकर आप यहाँ बरही नगर परिषद पहुँचे थे? बरही नगर परिषद में आया हूँ, कुछ बिल बाकी था उसके हिसाब से आया था, आवेदन दिया था उसके हिसाब से आया था। तो यहाँ कोई है नहीं, ना तो CMO साहब हैं, कैशियर हैं, ना चतुर्वेदी जी हैं, कोई है ही नहीं है। कहाँ गए CMO साहब? CMO साहब ये पता तो चला है कि जो है वो गए हैं नेपाल। कब गए नेपाल? 3-4 दिन हो गए। अच्छा, 3-4 दिन से नेपाल में? 3-4 दिन से चक्कर काट रहा है। अच्छा, 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं आप नगर परिषद के? अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, सब काम ठप है, कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ। जैसे कितने लोग आए और कितने लोग यहाँ चले गए, कितने लोग अभी भी तमाम झगड़ा हो रहा देख रहे हैं नगर परिषद में, और अभी अब जा ही रहे फाइल लेके और क्या करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम हीरालाल जायसवाल है। बरही निवासी है? बरही निवासी है। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है जी, बरही नगर परिषद के CMO लेखापाल अधिकारी रमेश तोमर, ग्रेड सहायक ग्रेड 3 के अधिकारी रिंकू चतुर्वेदी देखा जाए कार्यालय में मौजूद नहीं है। कहाँ है और कब से गए हुए? अभी 2 दिन तो छुट्टियां थी, सैटरडे और संडे को, आज वर्किंग डे था, तो मैं लगभग लंच के बाद ही आता हूँ। अभी मुझे मालूम चला और मीडिया के माध्यम से देख भी रहा था कि ये लोग बाहर गए हुए हैं, कुछ जानकारी भी थी मेरे को, ये लोग बाहर गए हुए हैं, कहाँ गए मुझे पता नहीं था। इनका कारभार कौन संभाल रहा अभी? आज वर्किंग डे है, वो शायद अभी सुनने में आया कि मनोज कोरी जी को प्रभार दे के गए हैं CMO साहब, और बल्कि मैंने पूछा मीडिया में, जब मैंने देखा कि ये बाहर हैं तो मैंने बाबू से पूछा कि छुट्टी का कोई आवेदन दे के गए क्या, बोला 20 और 21 तारीख की 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए है, और वो शायद मेल के माध्यम से PO डूडा को हमारे कलेक्टर साहब को भेजा है, और मेरे तो अभी उसमें पत्र आया नहीं है, पर शायद बाबू बता रहे थे कि आपके लिए लिख के गए हैं जी। देश में आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में क्या उन्हें बाहर जाना उचित है? देखिए क्या है कि आचार संहिता के संबंध में माननीय कलेक्टर साहब जो भी निर्देशित करेंगे कि कैसा उसका नियम है, इस संबंध में तो हम लोगों ने, चूँकि हमारा चुनाव हो चुका है उसके बारे में तो हम बहुत नहीं बता सकते, कलेक्टर साहब बताएंगे। एक ही कार्यालय से 3-3 कर्मचारी कार्यालय छोड़ के बाहर जाना, काम तो प्रभावित होता है इससे। आज वर्किंग डे है तो आज तो ठेकेदार भी आए होंगे, वापस गए होंगे, या कुछ अभी आने वाले वापस जाएंगे, क्योंकि बिना CMO और बिना बाबू तो कुछ काम हो नहीं सकता।